नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। इस नए साल को लेकर ना हम लोग बहुत बहुत चीज़ें यहाँ पे करते हैं, और नए साल में कहते ना कि रेजोल्यूशंस लोग बनाते हैं। तो न्यूज़क्लिक के जो प्यारे स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला कि इस नए साल पे एक नया शो हमें निकालना चाहिए। तो हमने कहा यार व्हाई नॉट, और आज हम एक ऐसे खेल के बारे में शो शुरू करने वाले हैं जिस खेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है इस देश में, जहाँ के प्लेयर्स को उतना पैसा मिला ही नहीं है। उनको उनका वो जो कहते ना स्पोर्ट्समैन का जो जज्बा है, लोगों ने वो प्यार उनको दिया नहीं। तो हमने सोचा हम अपना बिट करेंगे, वी नॉट गोना डू दिस शो कि ज़्यादा लोग देखें, कि ज़्यादा लोग इस खेल को पसंद करते हैं, ज़्यादा लोकप्रियता देखें और व्यूज़ हमें ज़्यादा मिले। हमारी सोच वैसी है ही नहीं है, वी आर वेरी प्योरेस्ट काइंड ऑफ पीपल, विच इज़ वाई आज से हर हफ्ते वंस अ वीक हम आपके लिए लाएंगे 5.75 ounces, जिसमें हम क्रिकेट खेल की हर चीज़ के बारे में हफ्ते में एक दिन बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए हमारे साथ शो पर निखिल नाज और जेमी ऑल्टर हैं। कमिजरेशंस की आप न्यूज़ क्लिक के फैमिली में आ चुके हैं, आप शक्ल देखिए ऑलरेडी वो थोड़े सैड फील कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है। निखिल, सबसे पहले तो ये बताओ सर, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं आपका नया साल कैसा है, आर्सेनल कैसी कर रही है आप? बहुत फुटबॉल शो, हम फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट शो। जेमी, थैंक सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे आई ओनली नो क्रिकेट, आपको मुझे आता नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो क्रिकेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये ना अब शो से पहले हम सोच रहे थे कि किस चीज़ के बारे में बात करें। यहाँ पे पहले बात हो रही थी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में एक बॉक्सिंग मैच देखने को मिला था, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब जो नया नवेला टॉपिक है वो मुझे वो अच्छा लग रहा था, वो आपको अच्छा वो उसके बारे में कमेंट्री एक थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, लेकिन 4-day टेस्ट मैच और 5-day टेस्ट मैच, ये एक नया डिबेट छेड़ा गया है। आईसीसी इज अपेरेंटली मलिंग ओवर द टॉपिक कि फ्रॉम द 2023 टू 2031 साइकिल, जिसमें दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले जाएंगे, उसमें वो सोच रहे हैं कि 4 दिन का टेस्ट मैच खेला जाए, नॉट अ 5-day टेस्ट मैच। सो एवरीवन नोज क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। सिंपल सी बात है निखिल, क्या ये पूरा का पूरा पैसे का खेल है और कुछ है ही नहीं क्या? नहीं, पर पैसे का भी खेल ये कैसे है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप 5-day खेल रहे हो या 4-day खेल रहे हो तो फर्क ये यहाँ पर एक दिन क्या? काट के आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सब कुछ कम होगा ना सर? नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ उससे आपका जो डिसएडवांटेज है वो कुछ ज्यादा है, मतलब कि आप एक दिन कम कर रहे हैं। वैसे ही आई थिंक क्रिकेट का खेल अगर बाकी खेलों से कंपेयर किया जाए, फुटबॉल इट्स द बट ऑफ ऑल जोक्स की लोग जिनको क्रिकेट नहीं पता वो कहते हैं मैच चलता है 5 दिन और रिजल्ट नहीं होता है एंड में। आप 4 दिन खेलोगे तो ऐसे कितने और मैचेस हो जाएंगे जहां ड्रॉ होंगे मैचेस। तो अगर आप रिजल्ट ही बाहर ले लेंगे किसी गेम से, जो 5th day को लेने के बाद होगा, हम आगे शायद स्टैट्स भी उस पर भी चर्चा करेंगे कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, बट चाहे वो 20% हो, 30% हो, 40% हो, जितना भी आप दूर ले रहे हैं कि रिजल्ट नहीं होगा, आप गेम का भला नहीं कर रहे, आप गेम का नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें मुझे एक वैसे कंस्पिरेसी थ्योरी की आपने बात करी आईसीसी का, हाँ, इसमें मुझे लगता है आईसीसी ने ऐसा क्यों किया है, आप दिन कम करने के कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका एक और प्रपोजल है उस टाइम पे, वो ये जो आप टाइम फ्रेम की बात करें 23-30 कि हर साल या तो T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप होना चाहिए या चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट डाले, हाँ, तो डाले कैसे डालो, तो तभी तो मैंने कहा पैसे का खेल है क्या ये? हाँ, उस लिहाज से अगर आप देखें तो है, लेकिन फिर आप एक तरफ कहते हो आपको टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाना है, डे एंड नाइट मैचेस करने हैं और चीजें करनी है, पिंक बॉल खेलना है, सब वो कर रहे हो, और फिर आप उसका जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट है रिजल्ट, उसको आप अगर हटा रहे हो 4 दिन करके, तो उससे नुकसान ही होगा। जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड कि मतलब ये जो स्टैट है जिसके बारे में निखिल ने कहा, मोर देन 60% ऑफ टेस्ट मैचेस सिंस 2018 फिनिश्ड इनसाइड 4 days, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको 4 दिन में, बट 40% तो है ना जो खत्म हुए 5th day में, बट मेजॉरिटी तो 4 दिन का है, तो पर आप 40% क्यों ले रहे हैं, चाहे वो 10% भी हो 20% भी हो, आप रिजल्ट से क्यों ले रहे हैं? रिजल्ट है ना एंड में, दोनों टीमें खेल रही है एक रिजल्ट के लिए, तो कोई टीम नहीं चाहती कि ड्रॉ खेले। अगर 40% ऐसे मैचेस हैं जो रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप चेंज करें। एनीवे, नहीं, अगर जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं, इट इज बिकॉज आईसीसी चाहती है कि हम और मैच लगाएं इसमें, टी ट्वेंटी क्रिकेट मेनली, वन डे वो फॉर्मेट ही वो डायनासोर बन रहा है। चिचिंग पैसा, मैं अगर बोलूं, मतलब शायद बोलना नहीं चाहता हूं मैं, क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूं मैं, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच में मेरा लैपटॉप जो है वो नहीं चल रहा था, मुझे 8 घंटे बैठने पड़े, वो मैच मुझे देखना पड़ा 8 घंटे विदाउट लैपटॉप डिस्ट्रैक्शन, बहुत मुश्किल है वन डे मैच देखना। टेस्ट क्रिकेट मैं देख लूंगा, यू कैन कॉल मी अ प्योरिस्ट, मैं टेस्ट क्रिकेट देख लूंगा, बट आईसीसी डेफिनेटली इनको चाहते हैं कि और वन डे मैच T20 मैचेस इस शेड्यूल में आ जाए, वही शेड्यूल जिसमें सांस लेने की फुर्सत नहीं, उसमें आप और मैचेस लगाओगे। ऊपर से I'm sure ICC has also done some data crunching कि अगर 4 दिन में मैच खत्म हो रहे,
इंडिया को देखो, इंडिया तो 2.5-3 दिन में टीम्स को हरा रही है यहाँ पे, बांग्लादेश टीम को 3 दिन में हरा रही है. तो देयर इज डेफिनेटली लॉजिक इन द फैक्ट कि कम मैचेस करो, बट लाइक निखिल सेड, आप अगर 4 दिन का है, सो मेनी मैचेस आर डिसाइडेड ऑन द फाइनल डे. तो इस मेरा ये मानना है कि द प्लेयर्स व्यू विल हैव टू बी टेकन वेरी, नहीं ऑफ कोर्स प्लेयर्स व्यू हैज टू बी, मैं मेरा ये सोचे कि काफी लोग कह रहे हैं अग्रीड, इवन अगर आप मुझे बोलो कि कौन सा फॉर्मेट आप फील्ड पे जाके देखना चाहते हो, तो मैं भी टेस्ट क्रिकेट ही बोलूंगा. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फील्ड पे लोग नहीं आ रहे तो क्या 4 दिन का टेस्ट मैच हो जाएगा तो आ जाएंगे क्या? ये है नहीं, लोगों को 4 दिन देने ही नहीं है, लोगों को पूरे दिन ग्राउंड पे बैठना ही नहीं है. लाइक ही सेइंग वनडे क्रिकेट देखना मुश्किल हो गया है, 50 ओवर जो लगभग उतना ही चलता है, 8-8.5 घंटे जितना एक टेस्ट मैच चलता है, उसी में लोग नहीं समय बिता रहे, उनको 3.5 घंटे में देखना है. तो अगर एक दिन आप कम भी कर देंगे तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा. यस, डे नाइट क्रिकेट आने से टेस्ट क्रिकेट में शायद लोग देखने लगे, वो मेजर चेंज है. दैट इज वन गुड चेंज ना, आपने ट्रेडिशन को छुआ नहीं. बट इसमें कोई ट्रेडिशन का मैं आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं रहा. बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिशन ट्रेडिशन के आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं रहा. 5 दिन का मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एक दिन कम करने से लोग टेस्ट क्रिकेट देखने लगेंगे, ये भी मुझे लगता है मुमकिन नहीं है. दैट इज द आर्ग्यूमेंट. मेरा ये सवाल है कि दिस इज अ टॉपिक दैट कम्स अप वेरी ऑफन, इज क्या हम गलत व्यूअरशिप के बारे में बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट पीपल सिटिंग इन द स्टैंड्स? Is viewership now more important on TV? Yes, absolutely. Broadcaster बहुत पैसा दे रहे हैं. Exactly. तो हम शायद हम इसको wrong angle से देख रहे हैं. Maybe they want कि लोग उसको देखें ज़्यादा TV में. Maybe the viewership is very healthy on TV. I don't have the numbers. But my question is, जैसे आपने कहा, I'm just taking your point forward कि जैसे इन्होंने कहा, maybe TV viewership ज़्यादा है. Forget. तो क्या 5 दिन को 4 दिन कर देंगे तो TV viewership में फर्क पड़ जाएगा? आपको लगता है? Will it change at all? That's a good point. And as it is, आप 8 ओवर बढ़ा रहे हो, क्योंकि क्या कहते हैं 5-day test matches में कह रहे हैं कि 90 ओवर हैं अलाउड एक दिन में, अब आप कह रहे हैं 98 ओवर वो तो मुझे 4 दिन में. और प्रॉब्लम है, स्पेशली अभी हम विंटर्स में जैकेट पहनी हुई है हम सब ने, आपको पता है 98 ओवर दिल्ली में हो सकते हैं टेस्ट मैच, विंटर्स में नहीं हो सकते. बहुत जगह वैसे ही आर्ग्यूमेंट हो रही है कि आपको वो फ्लड लाइट्स जलानी पड़ रही है, कितनी जगह बारिश आ जाती है, एक दिन वहाँ चला जाता है. तो और ये जो शब्द है ट्रेडिशन, ये अजीब गरीब शब्द है. जब भी आप उसको लेते हो तो एक पार्टी बोलती है यार लेट्स नॉट टच इट, दूसरी कहती है ट्रेडिशन आर मेंट टू बी चेंज एंड ब्रोकन, चाहे वो डे नाइट टेस्ट हो या कुछ भी हो. लेकिन टेनिस टेक्नोलॉजी सब होता है. ये पिंक बॉल इज नाउ बिकमिंग फेयरली कॉमन, हर देश ने आई थिंक ऑलमोस्ट दे प्लेड इट, इंडिया ने भी किया, इट टुक अ लॉन्ग टाइम. तो ट्रेडिशंस आर बीइंग चैलेंज्ड एंड बीइंग पुश्ड. बट आई थिंक व्यूअरशिप क्या है, मेरा ये मानना है कि भाई अगर ग्राउंड में लोग नहीं आ रहे इंडिया में, उसको देखो इश्यू को एज अ फैन. मतलब जो हमारी जो ये बोर्ड जो चला रही है, मुझे लगता है कि दे डोंट रियली केयर अबाउट द पीपल हु आर कमिंग, क्योंकि पैसे टर्नस्टाइल से नहीं आते ना. आपकी पार्किंग 2 किलोमीटर दूर है, आपको फिस्किंग करे, तो इनको तो मतलब ही नहीं है लोग से जो स्टेडियम में आ रहे हैं. इनका मकसद है भाई कि टीवी में बैठ के या ऐप पे देखे कौन देख रहा है ये. ट्रू, आई मीन हाउ डू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल. मेरा सवाल ये, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि द बिग थ्री, आपका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑल इंडिया में सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बीसीसीआई ने बोला इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट, तो उन्होंने कुछ बोला है नहीं. वैसे इनसाइड रिपोर्ट्स आर सेइंग कि ये जो पूरा टॉपिक है छेड़ा गया है फ्रॉम इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ओनली सर, कि वो कह रहे हैं कि थोड़े टेस्ट मैचेस कम कराओ ताकि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट और खिला पाए. नहीं तो वही, यू गो बैक टू द सेम पॉइंट. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप एक तरफ कहते हो कि नहीं टेस्ट क्रिकेट में हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट बना रहे, तो हम जैसे वापस उस चीज़ पे जा रहा हूँ, पिंक बॉल लाओ, डे एंड नाइट खेलो ये वो. फिर एक तरफ बोल रहे हो कि हमको वनडे अगर खेलना, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि वनडे और T20 में ही सब कुछ है, तो आप टेस्ट सीरीज कम कर दो ना. वैसे ही आप सीरीज कम करो, 5 मैच टेस्ट सीरीज क्यों रख रहे हो पहले तो ये बताओ. नहीं, 4 को आप एक दिन कम करने से आपका क्या फायदा होगा? मैं ये कह रहा हूँ आप टेस्ट क्रिकेट को नुकसान करोगे. जो इंटरेस्ट अभी भी थोड़ा है, आई थिंक द बेस्ट पिछले 2 दशक में 2000 में आप देखो, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस जो इंडिया के याद आते हैं, आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2001 में 2 टेस्ट मैच चेन्नई ईडन गार्डन्स, दोनों 5th डे में गए. इमेजिन वो इतने एक्साइटिंग फिनिशेस नहीं होते अगर 5th डे नहीं होता. टू मैचेस ना निखिल. नहीं, मैं कह रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस वो वहां पे जा रहे हैं. दैट्स ओनली 2 ना निखिल, मैं यही कह रहा हूं कि आपके ये इतने एक्साइटिंग 5 डे टेस्ट मैचेस कितने हैं. मैं कह रहा हूं 40, अभी आपने स्टैट दिया कि 40% मैचेस 5th डे जा रहे हैं, तो आप वो 40% ले रहे हो वापस. मैं तो सिर्फ 2 स्टैंड आउट मैचेस के जो जहन में आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं. मेरी सोच थोड़ी अलग है, इन द सेंस जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, कि यहां पे हम कह रहे हैं कि आप 5 दिन ले रहे हो,
चलो ठीक है जी, आपने पांचवा दिन ले लिया तो ड्रॉज की ज्यादा संभावना है क्योंकि चार दिन का मुकाबला है. अब अगर आप चार दिन के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयारी करोगे, उस हिसाब से पिच तैयार होगा, तो आपको नहीं लगता कि मुकाबले फिर चौथे दिन के हिसाब से खेले जाएंगे कि चौथे दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा वहां पर? ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ खेल रहे हो. आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर ऑस्ट्रेलिया में चलेगा तो न्यूज़ इंग्लैंड में है, यहाँ भी हो सकता है. यहाँ तो वैसे ही अगर देखा जाए पिछले जब से विराट कोहली कैप्टन बना है कितने मैचेस डे फाइव तक गए हैं, आई थिंक बहुत ही कम गए. प्रॉब्ली ऑन वन हैंड आई कैन प्रॉब्ली काउंट नंबर ऑफ मैचेस. रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि पिचेज ऐसी टीम जैसे जो स्टैंडर्ड है. साउथ अफ्रीका तीन साल पहले आई थिंक चार साल पहले वो नंबर वन थी, वो अब वो इनिंग से हार रही है, 287 रन से हार रही है. क्यों? क्योंकि क्वालिटी गिर चुका है. Horses, वो अलग है, लोग कहते हैं कि यार पेस दो, बाउंस दो, स्पिन दो. यू एज गुड एज योर टीम इज. आप इंडिया में आ रहे हो, इट्स नॉट बिकॉज इंडिया हैव एनी ग्रेट स्पिनर, अच्छे स्पिनर्स है, बैटिंग वीक हो गई है. तो अगर मैचेस तीन दिन में खत्म हो रहे हैं चार दिन में तो हाँ आई एग्री, थोड़ा इसको हम ट्रायल कर सकते हैं. बट टू मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि यार पांच इज फिनिश्ड, आई डोंट अग्री विद दैट. पांच में बहुत मजा आ रहा है. एशेज देख लो, डे फाइव तक जा रहे हैं मैचेस. एंड जस्ट टू टेक आपका पॉइंट ना कि माइंडसेट चेंज होगा नहीं, मुझे लगता है उल्टा और ड्रॉ होंगे अगर आप चार दिन करते हो इरिस्पेक्टिव. जैसे इन्होंने बताया ना बहुत रिजल्ट आ रहे हैं. अब आप एक सिनारियो को इमेजिन करें कि मुझे 400 रन चेस करने हैं बैटिंग फोर, ठीक है, दो दिन है मेरे पास. अब मुझे पता है चार दिन का मैच है, व्हाट इज माय माइंडसेट? ड्रॉ में खेल सकता हूं. टीम का माइंडसेट है 400 चेस नहीं कर सकता, बट एक दिन में शायद निकाल सकता हूं बैटिंग करके. जैसे ही फिफ्थ डे है तो आपको पता है इट हैज टू गो इधर वे, या तो आई चेज दैट 400 और आई गेट आउट. एज सून एज आई हैव फोर्थ डे तो और आप और ड्रॉ खेलोगे. फिफ्थ डे हटाने से नॉट ओनली डज फोर्थ डे के जो स्टैट हैं वो आपके कम होंगे और ज्यादा कम होंगे, क्योंकि लोगों को पता है मेरा जो एंड है, मतलब एंड इज इन साइट, फोर डे बहुत पास है, तो मैं ड्रॉ निकाल सकता हूँ मैच. वो एक डिसएडवांटेज. बिल्कुल सही निकल की. तो इस एंगल से फिर आपको रैंडम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहिए. कीप इट अंडर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जहां पे पॉइंट्स है. अगर आप ड्रॉ करेंगे आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो आईसीसी को बड़े गौर से देखना पड़ेगा. इफ दैट्स द थिंग वी सॉ इन द डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर इयर्स, हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इनिंग लीड पे, पॉइंट्स दो ही मत, मेक इट फॉर अ विन एंड होम एंड अवे आल्सो गिव इट मोर इंसेंटिव, जो ज्यादा लोग को फिर वो खेल पाएंगे. अरे सबके बीच में ब्रेट ली ने एक बहुत अच्छी बात बोली. उसने कहा कि भाई चार दिन के मुकाबले में अगर बारिश आ गया फिर हाँ वही हमने बात की, तीन तीन दिन का मुकाबला, एक पूरा दिन आपका गया. हाँ एक पूरा दिन यहाँ पे गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो. लाइट की बहुत इशू होता है कहीं पे भी वर्ल्ड क्रिकेट में देख लो. यस फ्लड लाइट्स डू कम ऑन, बट जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक एक पर्टिकुलर लाइट होनी चाहिए. फ्लड लाइट्स डोंट हेल्प फॉर वेरी लॉन्ग. तो आपको पता है कितने 90 ओवर्स में ही इतने कितने दिन होते हैं विच एक्सीड द टाइम. तो अब हम 98 खेलोगे, हाउ विल यू फिट दैट इन, स्पेशली इन प्लेस लाइक इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स, या आप नॉर्थ ईस्ट में खेलोगे गुवाहाटी वगैरह जहाँ 4 बजे सनसेट हो जाता है, तो आप कितने बजे, 6 बजे शुरू करोगे सुबह. सो यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम व्यूअरशिप इवेंचुअली. ग्लोबल वार्मिंग में जो इको जो है हमारा सिस्टम, यू नेवर नो कि अभी नॉर्थ वर्ल्ड में आप सब एक ही हो गया है, साउथ में कुछ वाइजैक में कुछ हो गया तो आपके गया. You have to look at all the scenarios. Maybe if I was to look at a solution, जैसे आप बोलो क्या solution, ये हो सकता है कि problem है निखिल. हाँ solution आप ये कर सकते हो, जैसे अभी जो 4 day दो test matches हुए, South Africa played Zimbabwe, ठीक है ना, 2019 and England played Ireland. तो आप ऐसा करो, let the two boards decide. If it's a mismatch of sort, तो आप दो बोर्ड डिसाइड करें, दोनों बोर्ड को पता है कि ये चार दिन में रिजल्ट आ रहा है, इंडिया अफगानिस्तान टेस्ट मैच के लिए जल्दी खत्म हो गया, आप डिसाइड करें 4 day कर लो. लेकिन इट शुड बी एज एन वेर एन बेसिस, जैसे कि आज के दिन में डे नाइट क्रिकेट है, डे नाइट टेस्ट मैचेस हैं जहाँ की दो बोर्ड डिसाइड करते हैं, हाँ वी वांट टू प्ले दिस टेस्ट मैच, वैसे आप केस बाय केस पे करो. बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड प्लेइंग, या इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, जो भी है, ये 5 दिन के टेस्ट मैचेस होने. तो ये मेरे को एक लार्जर प्रॉब्लम लग रहा है ऑनेस्टली, सच में आपको बताऊं. मैं अब अगर आप क्रिकेट की बात करो, किस खेल में फॉर द लास्ट 10 ईयर्स इतने चेंजेस आए जा रहे हैं, इतने फॉर्मेट्स को बदलाए जा रहे हैं. अभी T10 हमें देखने को मिला है, अभी T20 उससे पहले आ गया है एंड इज नाउ हेयर टू स्टे. दैट जस्ट शोज दैट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अफार देयर इज समथिंग रॉन्ग. कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है स्ट्रक्चर में स्पोर्ट के, कि आपको हर साल या हर 2 साल या हर 3 साल बाद आपको कुछ ना कुछ ट्वीक करने का आपको सोच ही रहे हो कि भी मैं पैसे कैसे बनाऊं अपने यहाँ पे कमर्शियली. क्योंकि जो आदमी इतने आपको पैसे दे रहा है ब्रॉडकास्टर, वो भी तो कहेगा यार आप इतने पैसे हमारे से ले रहे हो तो हम भी तो चाहते हैं कि वी गेट अ बैंग फॉर अ बक, हम थोड़े तो पैसे बनाए. इतना ये ट्वीक, आई फील देयर समथिंग रियली रॉन्ग विद दैट. कॉन्स्टेंटली ट्वीकिंग द स्पोर्ट, कॉन्स्टेंटली ट्वीकिंग द स्पोर्ट, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इनहेरेंटली समवेयर इन द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट.
मेरे हिसाब से। आई थिंक मेन चीज़ क्या रहोंगे, जब ये क्रिकेट का खेल बना था लोगों के पास बहुत टाइम था, इंग्लिश समर में लोग बैठ के देखते थे, अब ओवर द इयर्स थिंग्स आर चेंजिंग, क्या करें, यू हैव टू चेंज थिंग्स, बट यू आर राइट, मे बी यहाँ पे जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फीफा को आप देखो, आप फुटबॉल का मैं एग्जाम्पल वापस ले रहा हूँ, कितनी बार बोला जाता था ये गलत ऑफ साइड होगी, हैंड ऑफ गॉड ने वर्ल्ड कप डिसाइड कर दिया, बट दे डिडंट बज, उन्होंने कहा गेम ऐसा है ऐसा ही है, आप देखो इसको वैसा, तो या तो फिर आईसीसी को वैसा होना चाहिए, आईसीसी मे बी एज अ बॉडी इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग, कि आप ऐसे सब्स्टिट्यूट आ जाता है कभी, पहले बीच में होता था आप 12 खिलाड़ी, वो चला गया, पावर प्ले चेंज होता था, एज यू आर सेइंग राइटली बहुत चीजें चेंज हो रही है, क्रिकेट विच इज एनी वे कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट, उसमें आप और कम करें बल्कि आप ज्यादा करें, सो आई थिंक द बॉडी प्रोबेबली एज यू मेंशन बिग थ्री चला रहे, बिग थ्री में से बिग वन कौन है सबको पता है, ऊपर से ब्रॉडकास्टर कम ऑन इंडिया, अगर ब्रॉडकास्टर ने इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको लॉस हुआ क्योंकि मैच तीन दिन में खत्म हो गया, तो इनका जो से इनका व्यू है वो लोग उनको मानना ही पड़ेगा कि पैसे वहां से आ रहे हैं, एंड आई थिंक आईसीसी हैज लॉन्ग बीन अ स्पाइनलेस ग्रुप, इट हैज, मतलब इट्स नॉट अ सरप्राइज, ये मैं कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, डिसीजन मेकर्स कौन है, एंड एग्जैक्टली गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि किसी को आइडिया नहीं है कि इस पर हम पैसे कैसे बनाए, रेवेन्यू स्ट्रीम एक ही आ रहा है टीवी से, टिकट सेल्स से नहीं आ रहे, कोई भी आईपीएल मैच देख लो 20,000 के टिकट आपको 20,000 में ही मिलेंगे फॉर फ्री, तो मॉडल ऐसा है कि नो वन इज एबल टू लॉक डाउन, यू टॉक अबाउट फुटबॉल, वहाँ पे चेंज क्यों नहीं, क्योंकि वो चल रहा है, वो ग्लोबल स्पोर्ट है, ये फिर भी नीच स्पोर्ट है, कितनी टीम्स हैं, 8-10, 9-10 टीम्स हैं, आप चाइना नेपाल नो ऑफेंस रॉक ऑफ जिब्राल्टर को आप लोग इनको खिला लो, ग्रोथ जो है वो टॉप से ही आएगा, तो आईसीसी को खुद नहीं पता कि हाँ हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज क्रिकेट गवर्निंग बॉडी टू प्रमोट क्रिकेट, पर इंटरेस्ट फ्रेंकली 4-5 टीम में ही है, और जब तक ये नहीं बदलेगा ना ऐसी डिस्कशन होती रहेंगी, 3-day, 4-day पिंग बॉल ये होगा, द गेम हैज टू बी फिगर्ड आउट इन दिस डे एंड एज, क्या लोगों के पास 5 दिन डू यू सी दैट हैपनिंग, आई मीन आई थिंक इट्स गोइंग टू हैव टू हैपन बिकॉज़ यू गॉन सो डाउन डीप इन दैट होल वेयर यू ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू कम आउट, सो यू आर सेइंग अच्छा ठीक है जी ये सीधे चलने का रास्ता मेरा ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा रस्सी यहां डाल के मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूं, एंड द थिंग इज यू आर ट्राइंग टू डू दैट एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, टी10 यार मैं कह रहा हूं यार 10 ओवर का कोई मुकाबला होता है सर, आप वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, जिस कमेटी ने वो रूल डिसाइड किया कि अगर दोनों स्कोर टाई हो गए हम एक सुपर ओवर करेंगे, वो अगर वो टाई हो गया तो हम ऑन द बाउंड्रीज पे करेंगे, सबसे अब्सर्ड रूल है ये, और कौन कौन था इस कमिटी में, नॉट टेकिंग नेम्स, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, बट आई मीन उसका एक मैं अगर अगेन पैरेलल फुटबॉल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं इवन पेनल्टीज आर अनफेयर, भाई आप इतनी मेहनत करते हो एंड में क्या, बट इवेंचुअली कोई एक रूल है दे स्टिक बाय इट कि ये है आप फॉलो करो या नहीं, बट मे बी दैट स्पोर्ट इज सो अनकॉम्प्लिकेटेड, इट्स बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, इसलिए लोगों को पसंद है और इतने साल से चल रहा है, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ा रहे हो बाय चेंजिंग इट, आई थिंक ये एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई जो ये काफी कह रहे हैं ट्रैक को लेकर, कि अगर आप 5-6 दिन आपने निकाल दिया तो मतलब स्पिनर आपका प्रीटी मच आउट ऑफ द इक्वेशन हो, नेथन लॉय ने कहा यहाँ पे आप प्रीटी मच आउट ऑफ द इक्वेशन हो गए क्योंकि डिटीरिएट करते करते 5वें दिन ही डिटीरिएट करते क्रैक आते हैं, साउथ अफ्रीका प्लेयर से पूछे वो तो इस बात को लेकर अपसेट थे, ये सीरीज नहीं उससे पिछली की, दूसरे दिन ही स्पिनर्स आ जाते थे गेम में, तो आप 5-6 दिन तक आपको वेट ही नहीं करना इसी बात पे, सॉरी आप न्यूजीलैंड देख लो, न्यूजीलैंड इज नो मोर द कंट्री जहाँ पे वो पहले दिन में वो आपको शायद मॉर्निंग सेशन मिलेगा टीम सऊदी और बोल्ट को मिलेगा, श्रीलंका हाल ही में एक साल पहले गई थी, आई थिंक कुसल मेंडेस और एंजेलो मैथ्यूज ने 1.5 दिन बैटिंग की, तो न्यूजीलैंड का जो माहौल है वो चेंज हो गया, विंडी वेलिंगटन विंडी है वो बात नहीं है, न्यूजीलैंड इज बिकम इजियर टू बैट ऑन द 4th and 5th days, अब क्या होगा जब वो डे 5 ही नहीं है, व्हाट हैपेंस देन, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स पीपल हैव टू टेक इन माइंड, इट्स नॉट अ इजी डिसीजन, बट दिस थिंग ऑफ पिच डिटीरिएटिंग, क्या 4 दिन में आपका पिच डिटीरिएट नहीं करेगा 3 दिन में कि 4th दिन आपके क्रैक्स, अगर स्पिनर्स तो आजकल आप अश्विन को नई बॉल दे रहे थे स्पिनर्स बिकॉज ऑफ प्लेइंग सो मच ऑफ T20 क्रिकेट, सो यूज टू बोलिंग ऑन एज यू से सीमेंट सॉर्ट ऑफ पिचेस, की वो जो डिटोरेशन था वो सब आई डोंट थिंक इट्स ओवर रेटेड इन दैट सेंस, बिल्कुल अब दूसरे तीसरे दिन में अच्छा स्पिनर है विकेट निकाल देता है, आप देख सकते हो नेथन लायन खुद बोल रहे हैं, बट नेथन लायन इज अ केपेबल स्पिनर हिमसेल्फ, आप सेकेंड डे भी उनको बॉल देते हो और जहाँ पिच डे 1 पे टर्न है तो उसको आप बैड पिच कहते हो, जब सैंक्शन डालते हो क्या रहा है भाई, हमें समझा दो आईसीसी प्लीज, कहने के आप लोगों को ये भी लगता है कि जो मुकाबले इतने 4th दिन पे खत्म हो रहे हैं इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द फैक्ट कि आप इतना शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे हो, जहाँ पे आपका ओनस इज कि भाई बॉल आए और बॉल को मुझे बाउंड्री पे पहुंचाना ही है, वो कहना कि बल्लेबाज के अंदर सीपन कर रहा है, तो वो कहना कि लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में भी आ रहा है कि वो पेशेंस थोड़ा कम है, अभी जब हम लोग टूर करने गए वेस्ट इंडीज में तो मिस्टर गावस्कर वाज देयर, वहाँ पे बैठ करके देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों, कह रहे हैं यार ये
पेशेंस ही नहीं है इन लड़कों में यार, कि मतलब तीन बॉल अगर मैंने छोड़ दी तो अंदर से ना वो कीड़ा चल रहा है कि इसको तो मारना ही पड़ेगा, और उसी का पूरा फायदा उठा रहे थे हमारे गेंदबाज और विकेट दे जा रहे थे उनको। होपफुली चीजें फैशन में वापस आती हैं, क्या जैसे अब देखते हैं ना बेल बॉटम्स थी वो वापस आती है, अभी हैंडल बार मुस्ताश आप देख सकते हैं पहले होती थी तो मे बी क्या पता, आई डोंट नो वेदर दिस विल एवर हैपन, क्या पता वी स्टार्ट। आई थिंक उसके लिए सबसे बड़ी चेंज है वी नीड टू अप्रिशिएट प्लेयर्स जो टाइम स्पेंड करते हैं, आई थिंक वो स्किल को हम अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। एवरीवन लाइक्स द बूम बूम सॉर्ट ऑफ बैट्समैन, चेतेश्वर पुजारा कोई ऐड नहीं देता, चेतेश्वर पुजारा को कोई आईपीएल टीम नहीं लेती बिकॉज वी डोंट अप्रिशिएट। उसको कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहा है ना सर टॉप लेवल का फ्रॉम बीसीसीआई, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, बट आई एम सेइंग पीपल से एक्सेप्टेंस चाहिए ना आपको। मेरे लिए पर्सनली इतनी खुशी जो इंडिया 2-1 जीती ऑस्ट्रेलिया में एक साल पहले, द फैक्ट दैट चेतेश्वर पुजारा वाज द विनिंग फैक्टर एज अ बैट्समैन, मुझे बहुत खुशी मिलती है उस बात से। विराट कोहली ने बच्चों का माइनॉरिटी आया, विराट कोहली ने मात्र एक सेंचुरी मारी, गजब 123, बट इन अ लॉस इन पर्थ। अगर इंडिया जीती है बिकॉज द बॉलर एंड पुजारा, ऐसे लोग के लिए प्लेयर्स हैं। टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज, इनका एक ओपनर मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो हैप्पीली 200 बॉल खेलेंगे 4 रन के लिए, ऐसे अगर 3-4 और उनको मिल जाएंगे, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, कला है है, पर अगर उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, इफ इज नॉट सीन एज सेक्सी और यू नो व्हाटएवर इट इज, फिर दिक्कत होगा। इंटेंट ही हो सही है, वेस्ट इंडीज डिक्लाइन हैज बीन 1994 व्हेन देयर वाज नो टी20, डिक्लाइन इज नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ टी20 बैटिंग, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर उनका वीक होगा उनका। मेरी ना सोच थ्रू ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा खेल है क्रिकेट जहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, फुटबॉल जैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 5-a-side भी डाल रहे हैं, वो अलग अलग सीज हैं, दे डोंट क्रॉस ओवर 90 minutes, इट्स योर थिंग। अब यहाँ पे बिकॉज यू आर मेकिंग कैश का आपने ढूंढ लिया जो है 2020 एंड टू सम एक्सटेंट ODI और अब 10 जो भी आ रहा है, दैट इज योर कैश काउ, कर्टसी ऑफ दैट कैश काउ यू शुड बी फंडिंग योर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्मेट एंड इट शुड नॉट बी टच्ड just for the fact, but I don't agree with this, you know, these are, wo kya bolte hain hum usko fund, don't care about how much money it's making, haan wo hai, but aap na main ye keh raha hu kabhi bhi koi cheez business aap chalate ho na, aapke paas do teen products hain, you have to individually, ye nahi aap ek jagah se profit kama rahe ho dusri jagah dalte jaoge, eventually usko khud khada hona hai, jisko hum bolte hain na baisakhi aap de rahe ho, matlab I don't agree with that cheez, agar aapko test cricket rakhna hai it will have to sustain itself financially, not the cost of tweaking it na Nikhil, नहीं वो तो वो सही है, लेकिन इवेंचुअली मैं ये कह रहा हूँ ना, हर चीज एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल है, आप कब तक यहाँ से चीजें लेके पैसा वहां डालोगे, इट हैज टू, यू हैव टू फाइंड वेज दैट इट सर्वाइव्स, इफ इट कैनॉट सर्वाइव देन इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, इट डाइज डाउन मच टू आर डिसमे, हमें शायद अच्छा ना लगे, बट देन दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये अभी जो चल रहा है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हाँ इसकी जो रूल्स थोड़े फ्लॉड हैं, पर कोशिश तो है। ये अगर फुटबॉल कितनी हम बात कर रहे हैं, इफ दे जस्ट टेकन द सिंपल होम एंड अवे फॉर्मेट, मेरे मानने में तो इट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग, पर नहीं, आई मीन एशेज यू गेट सर्टेन पॉइंट, लाइक यू वी आर रिविटिंग एशेज, पॉइंट्स इतने, इंडिया ने तीन सीरीज, दो सीरीज में ही 380 रन बना लिए, पॉइंट्स बना लिए, तो ये फ्लॉड है, बट अटेम्प्ट है, जैसे आपने अटेम्प्ट है, सब बोर्ड्स को ले लो, यू टॉक अबाउट गेट ऑल द बोर्ड्स, अगर आप कर रहे हो ये 4-day मैच, लेट एवरीवन प्ले, डोंट कीप इट टू बिग थ्री, भाई बांग्लादेश अफगानिस्तान तुम भी खेलोगे, अफगानिस्तान सॉरी तुम वैसे 4 दिन नहीं लेस कर पा रहे हो, ये आपके लिए एप्ट है, टेक दैट व्यू, इट विल पिस ऑफ सम पीपल, बट लेट्स ट्राई, जस्ट कीप इट अक्रॉस द प्लेयर, कीप इट यूनिफॉर्म, यानी कि ये हम करेंगे सबको दो। देखो जी, गुड ओमन एक मेरे को दिख गया, हमने ना ये शो थोड़ा लंबा ले गए हैं क्योंकि हमारे जो कैमरामैन हैं वो चले गए हैं, वो कहीं और चाय चू पीने चले गए, उनको कोई लेना देना है नहीं, फ्रेम हम ऐसे एडजस्ट करें, हम यहाँ पे बातें वाते चल रहे हैं, तो निकल जाते जाते व्हाट वुड बी दैट वन चेंज आपके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में जो लागू होना चाहिए, बिकॉज लेट्स नॉट बी इन डिनाइल, प्रॉब्लम तो है, तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपके हिसाब से वो क्या एक चेंज लागू करना चाहिए, ज्यादा डे एंड नाइट या मैंडेटरी डे एंड नाइट? हाँ, मे बी दैट कैन बी द फ्यूचर, मुझे लगता है डे एंड नाइट से फर्क पड़ेगा, दो आई वुड स्टिल लाइक कि टाइमिंग थोड़ा और डिले हो जाए, अभी जितना फर्क है थोड़ा, दो बजे स्टार्ट है, हाँ नहीं आप उसको थोड़ा और डिले कर सकते, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रात को कब खत्म, नहीं अगर आप भाई आपको आईपीएल ने क्या बताया है कि आप 8 बजे शुरू करते हो 12 बजे तक लोग देखते हैं, देयर इज नो डिप, आजकल प्लेयर्स भी, मैं ऐसे थोड़े बहुत जो प्लेयरों से बात करता हूँ, पुराने प्लेयरों से आप बात करो ना, दे वर ऑल मॉर्निंग राइजर्स बिकॉज क्रिकेट वॉज अ स्पोर्ट लाइक दैट, सुबह आपको करनी थी, अब आईपीएल के बाद आज के प्लेयर्स जो भी आप बात करोगे ना, आप मोस्टली दे विल से नहीं, मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, एंड यू फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज फॉर अ स्पोर्ट्समैन बिकॉज आईपीएल हैज टॉट देम कि गेम इज प्लेड लेट एट नाइट
एंड आप उठते हो 12 बजे तभी आपका ब्रेकफास्ट होता है एंड देन सो दैट दे हैव अडॉप्टेड टू दैट साइकिल मोर देन सो विद टाइम वो चेंज हुआ आई थिंक दैट इज द वन थिंग व्हिच कैन चेंज आई वुड से कॉन्टेक्स्ट मुझे वहाँ दो मैच खेलने जैसे कोई तुक नहीं है गिव एवरीथिंग कॉन्टेक्स्ट है नहीं फाफ टू प्लेसी स्पोकन अबाउट दिस कोहली स्पोकन अबाउट दिस इसमें बहुत फायदे उसमें ड्रॉज को कम करो यू गेटिंग समथिंग राइट हाँ एक ट्रॉफी तो है But then you see that, Sri Lanka, I think Sri Lanka has never played a four test series in their lives. Right? Yes. It's a flaw. Ab hata, usse aage badho. Everything should be kept the same. Mm. And give things context. Points rakho. Denied is a great thing, but give something context. Ye mera manna hai. I think it's a societal thing. It's a society thing. Ki aaj ke agar aap dekho na, aaj ke humare desh mein, chahe kuch bhi khel ko dekho, football ko closely, yahan pe passionately follow karte hain, toh, आज की दुनिया में अगर आप देखोगे ना कि 90 मिनट का मुकाबला देखने की किसी अंदर वो स्टैमिना कम हो जा रही है तो मेरे जैसा बंदा भी मैं आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हराया तो उसको भी मैंने मैच नहीं देखा मैंने जाके सिर्फ हाईलाइट्स वहां पे बैठ के देखे नहीं वो क्या हुआ है यू बीन नाउ थोड़ा सा कंडीशन टू डू दैट बीइंग एन आर्सेनल ये रात को देखो मैं देखना नहीं चाहता सुबह सुबह अच्छा रिजल्ट मिल जाए नो बट आई ऑनेस्टली फील इट्स लाइक दैट कि हर चीज में हमें रिजल्ट चाहिए अरे यार एक ड्रॉ करने में डिफेंड करने में उसमें भी एक मजा है उसका भी एक कला है बहुत से ड्रॉ हम याद करते हैं अगेन माइनॉरिटी हम लोग ये माइनॉरिटी हमने एटलीस्ट 10 बारी बोल दिया सो आई एम सेइंग मेक टेस्ट क्रिकेट सेक्सी अगेन ये होना चाहिए टैगलाइन बाय मेकिंग मैंने बोला जो आप उस स्किल को अप्रिशिएट करो जो खड़ा रहता है बैट्समैन सिर्फ उसको नहीं अब उसको अप्रिशिएट करो जो छोड़ रहा है यू मेक गावस्कर सेक्सी अगेन एज इन द स्किल दैट ही हैड उसको आप वापस मे बी मीडिया करे या फैंस करे हाउ वी डिस्कस मीडिया नहीं डोंट एवर ड्रॉप पुजारा फ्रॉम द 11 अगेन निखिल नाज जेमी ऑल्टर गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ये था हमारा पहला एपिसोड 575 ounces का उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो देखने में पसंद आया हो नहीं पसंद आया हो तो फिर से बता रहे हैं कि हर हफ्ते हम आपके लिए हम फिर आएंगे यहाँ पे बिकॉज पसंद आया है पैसे मिल रहे हैं हम पैसों के लिए कुछ भी करेंगे तो हर हफ्ते आपके लिए एक नया नवेला शो 575 ounces ऑन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट गुड बाय you